महेशपाल हत्याकांड में एनकाउंटर में अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया, शूटर गुलाम मोहम्मद मारा गया और इनके जो शव है ये परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं और अब उन्हें दफन किया जाएगा। आज सुपुर्दे खाक होंगे दोनों के शवों को। झांसी मेडिकल कॉलेज में बीती रात पोस्टमार्टम के 24 घंटे के बाद उनके परिवार वालों को सौंपा गया। रात तकरीबन 1:30 बजे भारी सुरक्षा के बीच में उनके परिवार वालों को शवों को दिया गया। पहले प्रयागराज रवाना किया गया झांसी से, एम्बुलेंस के साथ ही सुरक्षा बल भी लगातार मौजूद थे। तकरीबन 25 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में इन दोनों के शवों को प्रयागराज लाया गया। पल पल की जानकारी देने के लिए आज तक संवाददाता भी लगातार काफिले के साथ में चल रहे थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, आज दफन कर दिया जाएगा, परिवार वालों को शव सौंप दिए गए हैं, कितने बजे सुपुर्द खाक हो गए? देखिए, तकरीबन मुझे लगता है 10 से 10:30 बजे के बीच जो असद और गुलाम दोनों की बॉडी प्रयागराज पहुंचेगी। ये काफी सेंसिटिव केस हो गया है पुलिस के लिए, अब कानून व्यवस्था का सवाल है। इस वजह से जो पूरा एहतियात बरता जा रहा है, तकरीबन 1:30 बजे के लगभग 1:30 बजे रात को जो असद है गुलाम उनकी बॉडी को उनके फैमिली को हैंडओवर किया गया। लेकिन जब झांसी से दोनों की बॉडी को लेकर उनके रिलेटिव निकले हैं तो साथ में झांसी पुलिस की भारी भरकम टीम वो भी निकली है और लगातार रास्ते से होते हुए प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जो अतीक अहमद है उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि बेटे के जनाजे में उसे शामिल होने दिया जाए। अब देखना होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाती है, लेकिन अभी भी जो कॉन्वॉय है, अभी भी जो असद और गुलाम जिन्होंने उमेश पाल की बेरहमी से हत्या की थी और इनकाउंटर में मार गिराया गया था, उनको उनकी बॉडी को लेकर रास्ते में है। ठीक है, ये माना जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे आपकी 10 से 10:30 बजे के बीच में पहुंच सकता है। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़े हैं। कुमार अभिषेक, 10 से 10:30 बजे के बीच में बताया जा रहा है कि शव पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले तो गुलाम मोहम्मद के परिवार वाले कह रहे थे कि हम शव नहीं लेंगे, तो कौन परिवार से उसका शव ले रहा है, कौन सुपुर्द खाक उनको कर रहा है? देखिए राजीव, गुलाम मोहम्मद के ससुराल के तरफ से यानी कि पत्नी के तरफ से एक रिश्तेदार पहुंचा है जिसने बीती रात शव को उसने हैंडओवर लिया है। दूसरी बात यह है कि दोनों के कब्रिस्तान अलग अलग हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान है जिसमें कि असद को दफनाया जाएगा, जबकि गुलाम मोहम्मद का जो कब्रिस्तान है वो उसके ससुराल के पास वाला कब्रिस्तान है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इनके शवों को सीधा कब्रिस्तान ही लाया जाएगा। परिवार वाले चूंकि इसे हैंडओवर ले चुके हैं, इसलिए कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है वहां सीधे लाए जाने की सूचना है। पहले ये भी चर्चा है। कुमार अभिषेक और अरविंद, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज शव पहुंच जाएंगे और सीधा कब्रिस्तान में पहुंच